सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि आपका पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये पहला वीडियो है आपका, आज से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखेंगे, जो कि CGPSC CGVIAPAM में आपके पूछे जाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट यानी कि 10 वीडियो आपके लिए लाए हैं, ठीक है। डेली आपके लिए कराएंगे, ऐसे ही आपका 10 टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। 10 वीडियो आपके लिए लाएंगे और साथ ही 50 MCQ डेली कराएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है। देखिए, जो लोग ADO की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं यानी कि हॉस्टल वार्ड आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्लासेस होगी। छत्तीसगढ़ के लिए ऑफर आप सभी के लिए आए हैं, फ्री रहेगा, ठीक है। PDF आपको उपलब्ध कराएगा, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही 50 MCQ रहेगा आज के टेस्ट में, और आज से वीडियो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 10 दिन का क्लास रहेगा, ठीक है। 10 दिन का क्लास रहेगा, आपको टोटल आपको 500 MCQ कराया जाएगा, ठीक है। टोटल और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का राज्य है, तो छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है, ठीक है। आप सभी को मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर कराते जा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आप सभी को पता है, रायपुर। देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, हाँ सीता गीता मोहन, हाँ जी बिल्कुल सही है, आप लोगों का रायपुर आएगा ही, ठीक है। हाँ, बहुत लोगों का सही हो रहा है। नहीं, गोलू गोलू कहाँ से आएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आपको नहीं पता क्या? सभी लोग का पता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कौन सा है? बिलासपुर जी, देखो बिलासपुर है ना, कौन सा है? बिलासपुर है, नोट कर लीजिएगा क्या है, बिलासपुर, ठीक, बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का देश का कौन सा स्थान है? जो छत्तीसगढ़ है उच्च न्यायालय का देश का कौन सा स्थान है? देश का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, 19वां स्थान है। जो लोग CGVIAPAM PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली क्लासेस चलेगी, और आज का रहेगा आपका 50 MCQ टेस्ट है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लासेस लगेगी, और आपको 500 टोटल कराएंगे MCQ। कितना कराएंगे? 500 कराएंगे। 10 दिन का आपका डेली क्लासेस रहेगी, टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग व्यापम या आगामी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लासेस रहेगी। हॉस्टल वार्ड आने के लिए तो बेस्ट क्लासेस है, ठीक है। हॉस्टल वार्ड आने के लिए बेस्ट क्लासेस है, और CGVIAPAM की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो क्लासेस तो डेली कराया जाता है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को, नोट कर लीजिएगा। आपसे ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? अब देखिए, एक और बात बताऊंगा, जो 25 सितंबर को एग्जाम है प्यून भर्ती का, उसके लिए तो क्लासेस ही रहेगी। और प्यून भर्ती में आपका कितना पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में आपका कितना पूछा जा रहा है, अगर हाँ उसका देख लीजिएगा सिलेबस, उसमें 50 से 40 क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 से 40 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसके तैयारी करें CGPSC प्यून भर्ती की, तो उसके लिए भी क्लासेस ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास है आपका, हाँ कंप्यूटर की क्लास रहेगी ना, नेक्स्ट क्लास 5:30 बजे की रहेगी, और गणित की क्लास, हाँ टाइम चेंज हो गया, ठीक है, गणित की क्लास 8:00 बजे रहेगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। हाँ, जो लोग जितना कमेंट कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, वीडियो बहुत लोगों का सही हो रहा है, ठीक है, मतलब तैयारी अच्छा चल रही है, सभी की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष क्या है? साल है, गुड, सरई साल ना, ठीक।
छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के उल्लेख कौन सा राज्य में हुआ है? तो ये आपका खैरागढ़ होगा। कौन सा होगा? खैरागढ़। ठीक, खैरागढ़ है जहाँ आपका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ है? जो छत्तीसगढ़ में जो सरकारी दस्तावेज का उल्लेख हुआ है वो आपका हुआ है 1795 में। कब हुआ है? 1795 में। कहाँ? बिलासपुर गजेटियर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट करती जाइएगा। ठीक है, अब इसको एक बार में याद नहीं होता तो आप दोबारा इसको याद कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? दलपत राव जी ने किया था। किसने किया था? दलपत राव जी ने। बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, डेली क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपका 50 MCQ रहेगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा, 10 दिन का रहेगा, 500 MCQ कराएंगे, वहाँ से आपको आने के चांस बढ़ जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? ये आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ये PSC और व्यापम में बार बार पूछा गया, कौन से CG व्यापम और PSC में कई बार आ चुका है ये प्रश्न, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ डेली सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे उसी को सिर्फ नोटिफिकेशन आप भेजा जाएगा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा होगा। ठीक है, हाँ राहुल, हाँ गणित की क्लास 5 बजे होती है ना? ठीक, गणित की क्लास नहीं, उसको चेंज कर दिया है, अब आज रात 8 बजे होगी। ठीक है, आज रात कब होगी? 8 बजे गणित की क्लास होगी और शाम 5 बजे आपको कौन सा क्लास रहेगा? कंप्यूटर का क्लास रहेगा। ठीक है, शाम 5 बजे कंप्यूटर की क्लास रहेगी और सामान्य ज्ञान का तो वही 9 बजे से 12 बजे के बीच में अपलोड किया जाता है। ठीक है, 9 से 12 बजे के बीच में, दोपहर, देखिए दोपहर या सुबह, मतलब 9 से 12 के बीच में या कहीं भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आप बताया हूँ, शाम 8 बजे गणित की क्लास रहेगी और शाम 5 बजे कंप्यूटर की। ठीक है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ? देखिए ऐसे एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में ऐसे एग्जाम CG व्यापम में पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो ये आपका 1956 में हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को, व्यापम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्यून भर्ती की। तो आपको 40 से 50 नंबर छत्तीसगढ़ से ही पूछे जाएंगे और छात्र और अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 नंबर छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, साथ ही करंट अफेयर आपको 15 से 20 नंबर रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर 15 से 20 नंबर रहेगा। एक बार सिलेबस देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, वहाँ छात्र और अधीक्षक की मैं सिलेबस डाल चुका हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है? जो छत्तीसगढ़ का कितने वर्ष तक बोला गया, मतलब यहाँ देखिए 44, इसको नोट कर लीजिएगा ना, जितने भी विज्ञापन में पूछे गए हैं, ठीक है, व्यापम में पूछे गए हैं उसको मैं डेली करा रहा हूँ। ठीक, आइए पहला वीडियो, ठीक है, आज का पहला वीडियो है, आज से स्टार्टेड है, डेली आपको कराया जाएगा, 10 दिन का रहेगा। ठीक है, कोर्स आपको क्रैश कोर्स है 10 दिन का, 500 MCQ कराने का। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश के अंग रहा है? तो आपको कितना हो जाएगा? 44। कितना है? 44। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 44 है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है? ए। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाई है? जो शक्कर कारखाना है आपका, अभी देखिए जो ये 4 है, ठीक है, लेकिन अभी जो बढ़ गई है 5 है ना, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखानों की संख्या कितनी है? 5 है, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया है तो आप 4 ही लगाइएगा, अगर 5 दिया रहता है तो आप 5 लगाइए। तो कौन कौन सा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, पाँचों कारखाना आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी है? 5 है। कौन सा? भोरमदेव वाला शक्कर कारखाना। हाँ बिल्कुल, हाँ बता रहे हो, ठीक है, लेकिन देखिए कमेंट में, अब आपके लिए होमवर्क है, आप 5 कारखानों की जो है उसको, कारखानों की संख्या है उसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। नान घाट किस नदी के किनारे? देखिए जो नान घाट है शिवनाथ नदी के किनारे हैं, आप सभी को पता होगा, जो मैं नदी के किनारे आप सभी को वीडियो में पहले पढ़ा चुका हूँ, नान घाट किस नदी के किनारे है? तो वो आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, कौन सा है? शिवनाथ नदी। खारून नदी नहीं है बेटा, देखिए राहुल, खारू नदी कहाँ से आ जाएगा, मन्यारी कहाँ से? अरे यार तुम लोग क्या करते हो, मैं जब वीडियो में ध्यान से पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए ना भाई, तुक्का क्यों मार रहे हो? तुक्का मारने की जगह क्या है यहाँ पर? मैं आप रिमूव कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, ज़्यादा बात मत करो। ठीक,
नान घाट किस नदी के किनारे से? मैं देखिए बार बार जो फालतू मैसेज करते हैं ना उसके लिए मुझे पसंद नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए ना भाई। नान घाट किस नदी के किनारे? तो मैं आपको बता रहा हूँ सोनार नदी के किनारे, तो आप खारून क्यों लगा रहे हो? छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो कृषि जलवायु प्रदेश है कौन सा है? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु प्रदेश है यह सभी है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं जो छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु प्रदेश है। कोई डाउट राहुल? देखिए बार बार मैसेज मत कीजिए, ठीक है आपको, हाँ वीडियो क्लास करना है। ठीक, सॉरी बोल रहे, ठीक ओके कोई बात नहीं। निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? देखिए जो मड़ई प्रसिद्ध है कौन सा है? नारायणपुर में, नारायणपुर में मड़ई स्थान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्लासेस चल रही ना तो छत्तीसगढ़ के ही बारे में पूछा करो। ठीक है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में उठाई गई है। जो त्रिपुरी कांग्रेस में है कौन से उठाई? सुंदरलाल शर्मा ने उठाई गई। कौन सा? सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, जो नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी 1924 में, तो त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन किसने उठाई थी? तो यह है आपका सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग उठी है। जो पृथक हुआ था किसमें हुआ था, कौन सा सन में हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग। ठीक है, कब हुआ था पृथक यानी कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य से सुसंगठित मांग कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा इसको, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य देखिए मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश अलग होकर बना था, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? जो छत्तीसगढ़ में संघर्ष हुआ था उसका मूल कारण था जमीन, जमीन के बारे में। ठीक है, जमीन का ये मूल कारण है जो कि संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में 1947 में स्वतंत्रता के समय, जो स्वतंत्रता हुआ, स्वतंत्र आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उसके समय किसका हिस्सा था? ये किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत का। ठीक है, मध्य भारत। ठीक है, प्रांत मतलब भारत होता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको कि छत्तीसगढ़ में 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? ये मध्य प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, किसका? मध्य प्रांत का। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कब विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, जो 25 जुलाई को विधेयक प्रस्तुत लोकसभा में, ठीक है नोट कर दीजिए, लोकसभा में पूछा गया। ठीक है, पारित कब किया गया है मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, पारित कब किया गया एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जब विधेयक प्रस्तुत किया गया है, पारित किया गया एग्जाम में आते ही हैं। कौन से एग्जाम में आते हैं? तो CGPSC व्यापम में आते ही हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं लेकिन CGPSC और व्यापम में अधिकतर पूछा जाता है। जो छत्तीसगढ़ में गठन हुआ था लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ठीक है कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को। इसको नोट कर लीजिएगा खास तौर पर, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। पारित कब हुआ था? हाँ पारित कब हुआ था मैं बता रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक में लोकसभा में पारित कब किया गया था? तो 21 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 21 जुलाई 2022 को। ठीक है, नोट कीजिएगा 21 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक, जबकि लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और पारित 31 जुलाई को किया गया था। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जा रहा है छात्रावास अधीक्षक की यानी कि हॉस्टल वार्डन की, डेली क्लासेस कराया जा रहा है। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम अभी नहीं आ रहा है लेकिन आप सभी तैयारी करके रख लें, आज एग्जाम आ सकता है या 2 महीने बाद आ सकता है, तब तैयारी करके रख लीजिए ना, आपको तैयारी करना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रख लिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, जो लोग नए हैं तो क्या करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की जो घंटी होता है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा ना, जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे उसी को अब से उसी को ही सिर्फ नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ठीक है,
छत्तीसगढ़ गठन में विधेयक राज्यसभा में पारित कब किया गया? देखिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसीलिए तैयारी करके रख लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ गठन का विधेयक जो राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया था, ठीक है। आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि छत्तीसगढ़ विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आप लेके होमवर्क है, आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क है आप सभी के लिए, आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में भी राष्ट्रपति कौन बने हैं, राष्ट्रपति कौन बने हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप सभी के होमवर्क है कि हाल ही में जो अभी राष्ट्रपति बने हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा और किस तारीख को बना है, ठीक है, ये किस तारीख को शपथ ग्रहण किए हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया? जो पृथक राज्य हुआ था छत्तीसगढ़ में कब आया? 1 नवंबर 2000 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 2000 को आया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रांत गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये आ चुका है एग्जाम में, सीजी व्यापम में पूछ चुका है ये वाला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो वह भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, कौन से पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक, भारतीय जनता पार्टी ना। भारत के राष्ट्रपति आर के नारायण ने, भारत के राष्ट्रपति आर के नारायण, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के विधेयक पर कब मुहर लगाई थी? तो कब मुहर लगाई थी? 28 अगस्त को, इसको याद रखिए, 28 अगस्त। देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का, उसी का टॉपिक से मैं रिलेटेड वीडियो आप सभी को बता रहा हूँ। डेली आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 दिन का क्लासेस चल रही है, क्रैश कोर्स के साथ फ्री क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। 500 आपको टोटल MCQ कराएंगे, कितने? 500 टोटल आपको MCQ कराएंगे, और वहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही जो नोटिफिकेशन की घंटी रहता है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति आर के नारायण। छत्तीसगढ़ राज्य में विधेयक पर कब मुहर लगाई थी? जल्दी बताइए कमेंट में। 28 अगस्त को, 28 दिसंबर को नहीं है। देखिए ये राहुल बार बार मैसेज करते रहता है, गलत आंसर देता है, मैं इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। रिमूव कर दूँ क्या आपको? रिमूव कर दूँ एक बार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए ना। देखिए 28 अगस्त में बार बार बोल रहा हूँ तो 28 दिसंबर क्यों बोल रहा है? भारत के जो राष्ट्रपति आर के नारायण ने छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक पर कब मुहर लगाई थी? 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को, ठीक। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? मध्य प्रदेश में जो हुआ था, पहले की बात कर रहे हैं तो हाल ही में अभी कितने हैं छत्तीसगढ़ में, कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में अभी 33 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला वाला जिला और लास्ट वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो आप सभी कमेंट में बताइए, आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये भी आप सभी को बताना है कि छत्तीसगढ़ में, हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले में है और सबसे कम, और साक्षरता वाला भी बताइएगा, ठीक है सर। मैं उसके लिए वीडियो आपको सभी के लिए मैं कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड वीडियो में ना, सॉरी सॉरी सेकंड वीडियो में वो क्लास करा देंगे, जनजाति से पूछे जाने वाले प्रश्न कराएंगे वहाँ से, जो कि नृत्य से संबंधित है, युवक गृह है, ठीक है, और ये पेय पदार्थ है, वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको जनजाति से क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ और सबसे कम कहाँ है, आप होमवर्क में जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? 16, जो कि मध्य प्रदेश कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? 16 जिलों से निर्माण हुआ था, ठीक। छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडिया सांसद है, तो जो मनोनीत हुआ था एंग्लो इंडिया, मैकलाउड है, कौन है? मैकलाउड, ये मैकलाउड है जो कि पहली मनोनीत एंग्लो इंडिया संसद में है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को, ठीक है। आज की क्लासेस होगी जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, छात्र और अधीक्षक और एडीओ की, छात्र और अधीक्षक और एडीओ की क्लासेस चल रही है ना, हॉस्टल वार्डन और एडीओ की, और प्यून भर्ती, साथ ही प्यून भर्ती के जो एग्ज़ाम चल रहा है, कौन सा? CGPSC द्वारा जो चल रहा है उसका एग्ज़ाम कब है? 25 सितंबर को, ठीक है। उसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है, उसके लिए छत्तीसगढ़ का क्लासेस चल रही है,
ये वाला एग्जाम में कई बार पूछा गया, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है, राज्यसभा में सीटों की जनसंख्या 5 है, राज्यसभा में कितना है 5, जबकि लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 11 है। ठीक है, लोकसभा में कितना है 11, ठीक इसको नोट कर लीजिएगा, लोकसभा में 11 है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 जबकि लोकसभा राज्य में 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। ठीक, 11 और 5 कितना हो गया टोटल 16। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या देखिए यहाँ पर, अब जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 11 है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा तथा लोकसभा सीटों की संख्या, ये तो एग्जाम में पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा ना। देखिए छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है वो 90 विधानसभा है, ठीक है, और लोकसभा सीटों की संख्या है 11, और राज्यसभा कितनी 5। ठीक है, राज्यसभा का 5 है, लोकसभा का 11 है, और विधानसभा 90 है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक बार और दोहरा देता हूँ, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में 11 और राज्य में 5, ऐसे करके याद भी कर सकते हैं, राज्य मतलब 5, लोकसभा मतलब 11। ठीक, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है आपका कितना है 4 है, आरक्षित जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर किसके लिए है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए है 4 है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 4। ठीक, इसके बाद नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति है, तो अब लोकसभा में पूछा गया है, लोकसभा में आप सभी को पता है, मैं आप सभी को पहले बता दिया हूँ, 1 है लोकसभा में, कितना है 1 आरक्षित, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 1 है, राज्यसभा में 4 है, और नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में आप सभी को बताया था कि सीटों की संख्या 90 है। ठीक है, विधानसभा में जो सीटों की संख्या है आपको कितनी है 90, इसको नोट कर लीजिएगा ना, 90 है। नए परिसीमन के अनुसार अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की जो अधिकतम संख्या होती है कितनी है, विधायकों की जो संख्या है 91 है, ठीक है, विधायक की जो संख्या होती है अधिकतम 91। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा अनारक्षित सीटों की संख्या, अब जो अनारक्षित सीटों की संख्या है वो आपका 51 है, कितना है 51, इसको नोट कर लीजिएगा ना, 51 है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो विधानसभा की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है जो विधानसभा में है ना, आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो आपका 10 है, टोटल कितना है 10। ठीक, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है, जो हत्या को परिभाषित करती है धारा 300, जो हत्या की, हाँ भारतीय दंड संहिता के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, जो अनुसूचित जनजाति हैं विधानसभा के लिए वो आपका 29 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 29 अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में, ठीक है, नोट कीजिएगा विधानसभा में। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक यानी कि 13 विधानसभा क्षेत्र और 42 हैं, तो ये आपका हो जाएगा रायपुर में, रायपुर में है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक की बात करें और विधानसभा क्षेत्र 42 में रायपुर, 50 हमसे क्यों करा रहे हैं, ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ, छत्तीसगढ़ के जो राजस्व मंडल मुख्यालय है वो आपका ब हो जाएगा, बिलासपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है, पुलिस मुख्यालय आप सभी को पता है रायपुर में है, कहाँ है रायपुर में, ठीक, कहाँ है रायपुर में, ठीक, कहाँ है रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व हैं, छत्तीसगढ़ में भी कुल कितने राजस्व हैं अभी 18, ठीक, राजस्व की बात कर रहे हैं 18, इसको नोट कीजिएगा 18 है। ठीक, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ये तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कत्था बनाने के लिए, ये तो आंसर ही ऐसे डाल दिए खैर, ठीक है, कत्था बनाने के लिए खैर का उपयोग किया जाता है। अभी एक बात बताएं कि तेंदुपत्ता के लिए जो मानक बोरा प्रति है कितना है, तेंदुपत्ता के लिए 4000 रुपये है, ठीक है, कितना है 4000 रुपये तेंदुपत्ता के लिए मानक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, जो कौन सी मिट्टी है, देखिए अब मिट्टी से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको मिट्टी से भी क्लासेस कराया जाएगी, कल की रहेगी
मिट्टी, भौगोलिक स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ का सामान्य, है ना। उसके बाद देखेंगे इसके जनजाति से संबंधित, फिर जनसंख्या घनत्व देखेंगे, ठीक है। जनगणना 2011 से भी देखेंगे, ठीक है। जनगणना 2011 से भी आपको देखेंगे क्वेश्चन, वहाँ से भी पूछा जाता है सर्वाधिक न्यूनतम, है ना, प्रतिशत कहाँ है, कम है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी क्लास कराएंगे। तो ये तो आज का पहला है टेस्ट सीरीज, पहला चल रहा है आपका वीडियो का, ये पहला क्लासेस है। तो आपका पूरा टोटल आपका कितना क्लासेस रहेगी, 10, यानी कि 10 क्लासेस रहेगी, और 500 टोटल आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। और वहाँ से आप अगर 500 क्वेश्चन आप लोग टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो बिल्कुल आपको आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप सभी को पता है लाल पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऐसा कौन सी मिट्टी है, आप होमवर्क में बताइएगा कि सबसे कम मिट्टी कौन से पाई जाती है। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है, परसेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कराएं क्या, 50 क्वेश्चन बोला था ना मैं आपको, 50 क्वेश्चन बोला था, ठीक है। ये आपका 51 क्वेश्चन से आपका 100 क्वेश्चन, यानी कि एक मिनट ना, 51 से 100 क्वेश्चन सेकंड क्लास में रहेगा, ठीक है, क्लास सेकंड में रहेगा, सेकंड क्लास में रहेगा। और आज का रहेगा आपको 50 एमसीक्यू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि 20 हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 20 पुलिस जिले हैं, ठीक है, 20 पुलिस जिले, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये कल की क्लासेस रहेगी 51 से 100 क्वेश्चन, डेली कराया जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको क्लासेस में कल कराया जाएंगे, डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 50-50 का क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट सीरीज लगाते रहें और तैयारी करते रहें हॉस्टल वाड़ाने की, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस चल रही है, ठीक।